क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अपन तेरे को क्या बोले जग्गा, देख देख ये लोग को, कि जो सास बहू है ना उसका झगड़ा देख कर है ना, मैं अपन को अपनी स्वर्गीय माँ और बीबी की याद आ गई। कसम से यार, उन्होंने ना ऐसा सेम टू सेम झगड़ा करते थे। भाई भाई भारी लफड़ा हो गया है भाई, मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे। जब तक रैली नहीं निकल जाता, मीका गाड़ी लेके नहीं आ सकता भाई। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट तो लगेगा। अब 15-20 मिनट हम लोग एक काम करेंगे, ये जो 15-20 मिनट है ना, इस सास बहू के साथ टाइम पास करेंगे। अबे तुम दोनों में से कौन अपना नेकलेस देगा? मैं 10 तक गिनूंगा, नहीं तो दोनों को भगवान के पास पहुंचा दूंगा। जका मही मही, ये मेरा हार ज्यादा कीमती है, तुम अपना हार दे दो, भले ही पूछते नहीं हो। क्यों? नाना सासुमा, मैं अपना हार नहीं दूंगी, आप अपना हार दे दो। अरे मैंने कहा ना तुम दे दो। सासुमा आप अपना हार दे दीजिए। तुम समझती क्यों? सासुमा मैं अपना हार दे दूंगी, आप अपना दे दीजिए ना। मही मैं बोल रही हूँ, हार दे, मही हार दे दे। आप दे दो, दो दे दो, दे दो। नहीं नहीं नहीं, 3-4-5 है, मुकाबला कीजिए, जो बल और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होगा वो जीत जाएगा। सास और बहू के बीच में स्पर्धा, बोले तो कॉम्पिटिशन। मजा आएगा बॉस, एकदम मजा आएगा। जकास, एकदम जकास। जगा एक ऐसे ही मेरी माँ और पत्नी के बीच में स्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन हुई थी। तब मेरी माँ ने मेरी पत्नी को ऐसा पटका कि उसके बाद मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे माँ के साथ स्पर्धा नहीं की। देखिए वो आपकी पत्नी थी, अरे मैं मही हूँ। गांव का शुद्ध देसी घी खाया है मैंने, ये कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पीकर बड़ी नहीं हुई हूँ। सुमा आप जरा संभल कर रहना। नहीं मेरा मतलब है, अगर आप हार गई तो आपको हार कर अपना हार देना पड़ेगा। तेरे जैसी बेवकूफ बहू किसी की हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। चलो बहुत हो गया, अभी देखो बहुत आसान गेम है ये, रस्सी से जो सामने वाले को खींच के ये लाइन क्रॉस करके अपने उधर खींच लेगा ना वो जीत गया। ठीक है चलो शुरू करो। 3-2-1 तुम दोनों असली सास बहू हो, हार नहीं मानोगे, लेकिन अपन को फैसला तो करना पड़ेगा ना। एक मिनट, मेरी बराबरी मही के साथ मत करो, अरे ये तो एक नंबर की बेवकूफ है। हाय हाय, आ ससुमा गलत फहमी में मत रहिए। हाँ अरे मुझ में बहुत दिमाग है, तो बच्ची परीक्षा भी हो जाएगी। ससमा अरे इसका स्क्रीन टूटा हुआ है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपना सोचिए ससमा, फिर अगर मैंने कुछ कर दिया ना तो मत कहना कि क्या मत कहना क्या क्या मत कहना कि
अगर जगह भाई ये बोल रही है कि मोबाइल ठीक कर देगी तो पहले इससे ट्राई करते हैं क्या? अरे ये तो बेवकूफ है, इससे चल तू ठीक करके बता। वैसे भी ये तो टाई होने वाला है, ये हारने ही वाली है। अरे कोई टाई फाई नहीं होगी सासुमा, देखना ये स्क्रीन तो मैं ठीक करके दिखाती हूँ आपको अभी। और दिखे रखा भाई, अगर फोन ठीक हो गया ना, आपका स्क्रीन ठीक हो गया, तो फिर मेरा हार मत लेना, सासुमा का हार ले लेना। हाँ और फिर ये जो बैंक है ना, जमा उधार बैंक, जो लालजी पाड़ा में है यहाँ पर, वैसे तो आपने पूरा बैंक लूट ही लिया है, अभी बचा ही क्या है, लेकिन फिर भी इन लोगों के हाथ में बहुत सोना रिंग विंग सब है, उसको भी लूट लो। एकदम चका। क्या बात है भाई, बहुत दिमाग है लड़की के पास, शातिर है भाई। चले निकाल सोना, निकाल अंगूठी, चल। अरे गुंडा भाई ये नकली है, निकालो क्या? नकली सोना पहन के घूमती है चिरकुट भाई। रकबाई जगबाई ये लीजिए, आपका फोन ठीक किए बिना ही ठीक हो गया और मैं जीत भी गई। है? कैसे ले? अरे अभी अभी इन्होंने कहा ना कि मुझ में बहुत दिमाग है। बात तो मोबाइल ठीक करने की हुई थी। नहीं नहीं सासुमा, बात बुद्धि की हुई थी, और ये भाई ने कहा कि मुझ में बहुत दिमाग है, तो बुद्धि तो दिमाग में होती है ना, तो जीत मेरी हुई। ओ, तो भूल गई मैंने क्या कहा था, ये भी तेरा भाई है। सासुमा तो मत बोलिया ना, ना कुटी बात। नहीं 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 अब तुम दोनों की बकबक बंद नहीं हुई ना, तो तुम दोनों की कहानी इधर खत्म कर डालूंगा। अब फैसला मैं लूंगा, वो भी अपनी स्टाइल में, जैसे मैंने मेरी माँ और पत्नी के बीच में फैसला किया था। अबे वो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो फैसला नहीं हो पाया ना, इसलिए मैंने वो दोनों के बीच में निशाने का कंपटीशन रखा। अभी यह कंपटीशन तुम दोनों के बीच में होगा।